आज के स्पेशल शॉट में हम एक मिनट के अंदर ये बताएंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं केवल तीन रूल्स के साथ। नंबर वन, कोई भी नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, और साथ साथ कोई भी जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। नंबर टू, लीडिंग जीरोस, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले वाले जो जीरोस रहते हैं वो लीडिंग जीरोस होते हैं, वो जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और नंबर थ्री, ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में एकदम लास्ट में किसी नंबर में रहते हैं, वो केवल तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल पॉइंट किसी नंबर में होगा। तो अब एग्जांपल्स में आते हैं। 709.321 पहला एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पांच नॉन जीरो डिजिट है और एक जीरो दो नॉन जीरो डिजिट यानी 7 और 9 के बीच में है, तो ये 6 डिजिट सिग्निफिकेंट होगा रूल नंबर 1 के हिसाब से, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद 0.00789, यहाँ पे तीन लीडिंग जीरो है और तीन नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ पे तीन नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट होगा, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट रूल नंबर 2 के हिसाब से। फिर उसके बाद 5600, यहाँ पे दो ट्रेलिंग जीरो है और दो नॉन जीरो डिजिट, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, जो कि यहाँ पे नहीं है रूल नंबर 3 के हिसाब से, तो यहाँ पे 5 और 6 दो ही सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद 210.00, यहाँ पे भी रूल नंबर 3 के हिसाब से, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है नंबर में, तो इसलिए ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसलिए यहाँ 5 और 6 सिग्निफिकेंट है।